हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल से आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है वो आप उस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, आपके मोबाइल से आसानी से। अगर आप किधर गए हो और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है कौन सा, तो आप आसानी से वो डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल में आने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है। तो मैं इधर प्ले स्टोर ओपन कर देता हूं। प्ले स्टोर जैसे ओपन करेंगे, मैं प्ले स्टोर ओपन इधर कर देता हूं। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों को इधर डिजी लॉकर सर्च करना है। तो देख सकते हो डिजी लॉकर, यही एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हो डिजी लॉकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है। ये बिल्कुल मतलब फ्री है और इसका सिक्योर, एकदम सिक्योर ऐप है। तो इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो इसको ओपन कर देता हूं। जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस डिजी लॉकर ऐप पे 112.8 मिलियन रजिस्टर यूजर है, तो इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। आप आसानी से आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट करेंगे आपको फुल नेम एज पर आधार नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल कुछ रहेगा वो डालना है, आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो आपको इधर डाल देना है। उसके बाद सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, कौन सा भी आप नंबर इसमें सेट कर सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी, आधार नंबर ऑप्शन है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं वरना उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सब डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट डिजी लॉकर पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बनाया है, तो मैं इसको साइन इन पे क्लिक कर लेता हूं। साइन इन करने के बाद आप आधार नंबर या मोबाइल नंबर डाल के, या उसके बाद 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है वो दोनों डिटेल्स, आधार मोबाइल नंबर और 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डाल के आपको लॉग इन कर देना है। तो मैं दोनों डिटेल्स इधर डाल देता हूं। उसके बाद आपको जैसे सबमिट पर करेंगे, साइन इन करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको इधर एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आप जो डिजी लॉकर एप्लीकेशन उसके ऊपर लॉग इन हो जाएंगे। तो इधर मेनू में आपको देखने को मिल जाएगा माई प्रोफाइल, माई अकाउंट, नॉमिनी। उसके बाद देख सकते हो होम में आने के बाद बहुत सारे इधर आपको सर्विसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अभी समझो कि आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। जो भी आपको डाउनलोड करना है या देखना है तो आपको उसको सर्च करना है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो देख सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो ये भी आपको डाल सकते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री। तो मैं इधर ड्राइविंग लाइसेंस ही डाल देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया। उसके बाद देख सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको इधर डाल देना है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप डालेंगे, गेट डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, गेट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे वो इधर इशू डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने ये सब डॉक्यूमेंट इधर डाउनलोड किए हुए, तो ये आप आसानी से जो इशू करेंगे गेट डॉक्यूमेंट करने के बाद इसमें आपको इशू डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे कि इधर आपको कोविड का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इधर देख सकते हो मैं कोविड डाल देता हूं, तो देख सकते हैं कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट डालने के बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा, आपका जो आपको जो वैक्सीन लेने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब जो भी रिसिप्ट मिलता है उसके ऊपर एक बेनिफिशियरी आईडी रहता है, वो बेनिफिशियरी आईडी इधर आपको डालना पड़ता है। और उसके बाद वो भी गेट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपका मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, इशू डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। देख सकते हो इधर 10th और 12th का अगर मार्कशीट आपको डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली एजुकेशन का जो सेक्शन है उसमें भी जाके आप देख सकते हो। इधर एजुकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारे कैटेगरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको सर्विसेज इसमें देखने को मिल जाए। इनकम टैक्स है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है,
तो ये देख सकते हैं इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे पेंशन कार्ड इधर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूएन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूएन कार्ड आपका जो 12 डिजिट का यूएन नंबर रहता है वो डालने के बाद आप यूएन कार्ड भी और स्कीम सर्टिफिकेट भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड इधर देख सकते हो आप, बहुत सारे सर्विसेस इसमें दिया है। इंडियन रेलवेज इसमें भी पेंशन सर्टिफिकेट फॉर्म 16। अभी हम इसमें एजुकेशन का देख सकते हैं, एजुकेशन तो मैं इधर महाराष्ट्र से हूँ तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आपको इधर सर्च करना है, तो मैं इधर सर्च कर देता हूँ। तो देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको अगर क्लास एक्स मतलब 10th का अगर मार्कशीट डाउनलोड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो फर्स्ट, और इसके ईयर किस ईयर में आप आपने एग्जाम दिया था पास हुए थे वो ईयर आपको डालना है, सीट नंबर डालना है, उसके बाद टोटल मार्क कितने मिले थे वो आपको इधर कितना मार्क्स मिले थे वो, और सिलेक्ट एग्जाम सेशन भी आप इधर मार्च अक्टूबर जो भी आपका सेशन रहेगा वो आपको इधर सिलेक्ट करना है और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ऐसे करके आप 10th 12th का भी मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट गेट इशू करेंगे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे आपको इशू डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यूएन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें डाउनलोड कर लिए। अभी इधर डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना ही पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे है डॉक्यूमेंट, कोविड सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप आसानी से देख सकते हो और सर्विस का लाभ भी इसमें ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।